नमस्कार, मैं हूं अर्शन, माई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आजम खान ने जया प्रदा के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी करी थी, जिसकी वजह से काफी विवाद सामने आया था। उसके बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि हमें बजरंग बली भी चाहिए और अली भी चाहिए, हमें अनारकली नहीं चाहिए, जिसके ऊपर काफी विवाद हो गया और जया प्रदा को अनारकली के रूप में कहना उनका काफी विवाद खड़ा कर गया। उसके बाद जया प्रदा ने इस पर कहा था कि जैसा बाप वैसा बेटा। अब इसी को लेकर उनकी मां का बयान सामने आया है। अब्दुल्ला आजम खान की मां का बयान सामने आया है, ताजीन फातिमा इनका नाम है, और उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हमने सिर्फ ये कहा था हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए और हमें अनारकली नहीं चाहिए। तो इसका लोगों ने गलत मतलब समझा। उन्होंने कहा कि योगी जी ने भी कहा था कि जया प्रदा एक कलाकार हैं और वह गायन और नृत्य कला का हिस्सा हैं, तो इसी को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया है। लेकिन उन्होंने अनारकली जो संबोधित करा, ये कहाँ तक सही था अब्दुल्ला आजम खान ने जो संबोधित करा था, तो इस पर अब जनता फैसला लेगी कि रामपुर में किसकी जीत होगी, या तो आजम खान की या फिर आजम खान के खिलाफ खड़ी बीजेपी से जया प्रदा की। तो ये देखने वाली बात होगी अब की बार किसकी सरकार। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आई न्यूज़ इंडिया पर।